हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 7 सबसे बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पर बनी फिल्में, जो हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। दोस्तों, क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ऐसे होती है जो हमारे दिमाग को अंदर से घुमा कर रख देती है। अगर आप लोग क्राइम सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ साइको सीरियल किलर पर फिल्में देखने के शौकीन है तो ये टॉप 7 लिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। और सभी मूवीज हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 7 पर है साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी जापान, जिसे IMDb की तरफ से 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 50% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको कार्थी अनु एमानुल, आसना सुधीर और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो राज्य के गृह मंत्री से संबंधित एक लोकप्रिय अनुभसन की दुकान को अंतरराज्यीय डाकू जापान ने लूट लिया था, जिसने अभूषणों का 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस पर ऐसे डकैतों के मास्टरमाइंड जापान को पकड़ने का दबाव है। क्या इस अपराध के पीछे जापान असली दोषी है या फिर उसे उसके लिए फंसाया जा रहा है? इसके पीछे कौन है और जापान इससे कैसे निपटेगा? पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है साल 2017 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी साइको संकरा, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको यशा सूर्या, नवारसन, शरत लोहित तस्वा और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो जयशंकर उर्फ साइको संकरा के जीवन की एक काल्पनिक पूर्ण कथन, जो उसके पीड़ितों के परिवार और दोस्तों को भगाने के दौरान उसके द्वारा किए गए अपराधों की कहानियां पर केंद्रित है। दोस्तों, ये एक साइको सीरियल किलर पर बेस्ड मूवी है। अगर आप लोगों को साइको सीरियल किलर वाली मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 5 पर है साल 2013 में रिलीज हुई एडवेंचर थ्रिलर मूवी टेबल नंबर 21, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 74% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, ये हिंदी बॉलीवुड की मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको राजीव खंडेलवाल, टीना देसाई, परेश रावल और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो फिजी की पूरी तरह से भुगतान वाली यात्रा पर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे विवान और सिया को एक गेम शो में भाग लेने का मौका दिया जाता है, जिसमें भारी नगद पुरस्कार दिया जाता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, कार्य और प्रश्न अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में आपको क्या क्या ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पर है साल 2022 में रिलीज हुई ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर मूवी ईसो, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 69% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको जयसूर्या, नमिता प्रमोद, नादिरशा, प्रियंका, श्रीलक्ष्मी और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो ATM में रात को काम करते समय एक सुरक्षा गार्ड, जो शक्तिशाली बिजनेसमैन के खिलाफ मामले के मुख्य गवाह है, मुलाकात एक ईसो नाम के रहस्यमय व्यक्ति से होती है। वे बातचीत में शामिल हो जाते हैं और गार्ड को यह एहसास होने से पहले कि ईसो उसका दोस्त नहीं हो सकता है, और अपने दिल की बात उस अजनबी के सामने में रख देता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होने वाला है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है साल 2020 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी जेंटलमैन, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 93% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, एक कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको परजवाल देवराज, निज्विका नायडू, संचारी विजय और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो भारत कुमार एक स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहे हैं। एक व्यक्तिगत त्रासदी उसका इंतजार कर रही है और वो एक खूबसूरत डाइटिशियन के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों,
दोस्तों ये मूवी हिंदी में डब होकर YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर टू पर है साल 2023 में रिलीज हुई मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी कोलाई, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 60% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है, इस मूवी को हिंदी में हत्या नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको विजय एंटोनी, मीनाक्षी चौधरी, रितिका सिंह और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो जब एक फेमस मॉडल की हत्या हो जाती है तो एक स्मार्ट जासूस ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये घटना एक रहस्य से प्रतीत होती है। तो दोस्तों आगे की मूवी में आपको क्या क्या ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये मूवी हिंदी में डब होकर YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर वन पर है साल 2017 में रिलीज हुई ड्रामा साइको थ्रिलर मूवी ग्रहणम, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों एक कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है, इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको सुधीर कारानामा, देविका सिवान, विजय मेनन और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो टीना और राय की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब राय की पहचान के बारे में शुरुआती संदेह टीना को सच्चाई की तलाश में ले जाता है, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। तो दोस्तों आखिर टीना को क्या सच्चाई पता चलता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये मूवी हिंदी में डब होकर YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो दोस्तों ये थी टॉप 7 अमेजिंग मूवी, अगर आप सबने इन सभी मूवी को नहीं देखा है तो एक बार इन सभी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।